नमस्कार। दुनिया में अगर हिंदुस्तान की पहचान किसी से होती है तो वो शहर है आगरा। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले आगरा शहर में 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगन गर्ग साहब हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है कि लगातार 5 बार जनता अपने नुमाइंदे को चुनती रहे, लेकिन गर्ग साहब हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, बहुत बधाई कि इस तरह का नुमाइंदगी का मौका आपको मिला है, और आगरा बहुत महत्वपूर्ण शहर है। क्या वजह है कि आपको लोग लगातार चुनते जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं जनता के बीच हमेशा रहता हूँ, उनके सुख दुख में कैसा भी हो जी। मैं शामिल होता हूँ, क्योंकि दुख में शामिल होने से दुख कम हो जाता है जी। और खुशी में शामिल होने से खुशी बढ़ जाती है जी। तो मैं हम जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच मेरा बहुत लगाव रहता है, अच्छा व्यवहार रहता है जी। और जनता से भी मुझे प्यार आशीर्वाद हमेशा मिला है। नहीं गर्ग साहब, क्योंकि पिछले 20 साल में तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सरकार भी नहीं रही। मुझे याद है कि 2002 में जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से जब योगी जी आए हैं तब ये सरकार आई है। तो उस दौरान जब बीजेपी के खिलाफ पूरे स्टेट में माहौल था, उसके दौरान भी आप लगातार विधायक रहे, तो कुछ तो आपका कुछ मंत्र होगा? यही मंत्र है मेरा, जनता के बीच हमेशा सक्रिय रहना, कार्यकर्ताओं से सहयोग लेना देना। और आपको मालूम ही है कि 2002 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मैं अकेला विधायक था जी। 9 सीटों में से जी। 2007 में भी मैं अकेला रहा जी। और पूरे जिले का काम किया मैंने, केवल आगरा के नहीं, आगरा जिले की 9 सीटों का काम मैंने कार्यकर्ताओं का किया। और 2012 में हम 2 विधायक बने जी। आज ईश्वर की कृपा से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, तो उससे 9 के 9 विधायक आगरा से हम हैं। और मेरी जीत 86,000 से हुई है इस बार, 5,000 से शुरुआत की थी मैंने, 5, 8, 14, 23.5, 86,000 बढ़ती रही है सर जी। उसके पीछे कारण यही है, जनता के बीच सक्रियता रहना, उसका काम करना और अच्छा व्यवहार रखना जी। गर्ग साहब, एक तरफ जगन गर्ग हैं जो 5 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आगरा शहर को हम देखें, आगरा के अलावा फतेहपुर सीकरी की सीट को देखें, दोनों जगह जो सिटिंग एमपी थी उनके टिकट पार्टी ने काट दिए हैं, तो क्या माना जाए इसका मतलब? देखिए, काटने के पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं जी। एक तो जी सक्रियता कम रही होगी जी, जनता के बीच सक्रियता कम रही होगी। और यहाँ से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो कराया था, जांच कराते हैं ना, जैसे पहले मत लेते हैं, अपने राय लिए, ओपिनियन लिए, उसमें हो सकता है उनकी सक्रियता कम रही होगी, और जो वर्तमान में जिनको टिकट दिए उनकी सक्रियता ज्यादा रही होगी, इस कारण इनको टिकट दिया। नहीं, लेकिन इसका मतलब हुआ कि जो हमारे सांसद हैं, मौजूदा सांसद रहे थे जिनका टिकट कट गया, कथेरिया साहब का और वहाँ बाबूलाल जी का, तो उन लोगों ने आगरा के विकास में हिस्सा नहीं लिया, या प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, खासतौर से 2014 से प्रधानमंत्री लगातार इस पर जोर देते रहे कि अपने शहरों को डेवलप किया जाए, वो काम नहीं किया, तो इसका नुकसान तो विधायकों को भी उठाना पड़ेगा। नहीं, विधायक तो अपना काम कर रहे हैं, विधायक तो 2017 में चुने गए ज्यादातर, तो जी मैं 1 या 2 ही थे पहले जी, तो ज्यादातर अभी चुने गए, तो उनका तो 2022 में जो कुछ होगा तो होगा। अभी तो उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है, वो काम कर भी रहे हैं और नहीं करेंगे तो 2022 में उनको भी साथ ऐसा ही व्यवहार होगा जैसा वर्तमान में हुआ है। नहीं, लेकिन अभी तो लोकसभा सीट में 86,000 की जीत का अंतर मुश्किल काम होता है जी, जी। उसमें विधायक 86,000 से जीत जाए जी, जी। और एमपी का टिकट काटना पड़े, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चुनाव हो रहा है, अभी जो चुनाव चल रहा है, इसमें जगन गर्ग जी पे ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि भाई नया एमपी को चुन के लाए? हाँ, हमारी वह जिम्मेदारी, पक्की बात है, जो जिम्मेदारी डाली है हम उसको निभाएंगे। और मैं आपको कहना भी चाहता हूँ कि जब कभी नगर प्रमुख यानी मेयर और सांसद 4 सीटों से कम वोट लाए हैं मेरे यहाँ से, मैंने उसका घाटा पूरा किया है और जिताया है जी। अभी जो पार्टी के अध्यक्ष है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने यहाँ पर रैली की आगरा में जी, और उसमें उसका नाम दिया गया विजय संकल्प रैली जी, जी। अब रैली के लिए नारे लगाने में तो आप बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, पार्टी जी, के जी, लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, लेकिन ये विजय संकल्प को विजय में बदलना क्या आसान लगेगा? अमित शाह जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है कि इस बार 74 सीटें लाएंगे, 74 के पार करेंगे जी, जी। ये मुमकिन लगता है आपको? मुमकिन है, मोदी जी ये हैं तो मुमकिन है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और मोदी जी के ऊपर बहुत धर्मदार है, उन्होंने ऐसा कार्य किया है देश के लिए और विदेशों में भी, जो देश का सम्मान बढ़ाया आज तक कोई नहीं कर पाया। पाकिस्तान को सही जवाब आदरणीय मोदी जी ने दिया है और कोई नहीं दे पाया इससे पहले।
लेकिन सर 2014 के चुनाव के लिए तो माना जाता था कि मोदी जी ने ये चुनाव जितवा दिया, क्योंकि उस समय मोदी लहर थी और हर आदमी केवल मोदी मोदी करके चुनाव जीत गया। उसको पता भी नहीं था कि उनका सिटिंग जो कैंडिडेट है या एमपी है वो कौन है। अब 2019 का जब चुनाव हो रहा है तो 5 साल आपकी सरकार ने निकाले, 2 साल यहाँ पर योगी सरकार के हो गए, तो उनके कामकाज और उनके विकास का जो पूरा एजेंडा है उसका इम्तिहान तो होगा ना। इम्तिहान होगा और इम्तिहान में वो पास होंगे। उन्होंने बहुत काम किए हैं। देखिए 12 रुपए साल में बीमा, 2 लाख का बीमा 12 रुपए साल में मात्र, और जनधन योजना जो खाते खुलवाए वो आज कितना काम आ रहे हैं। जो किसानों को लाखों की संख्या में जो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा उनके खाते में सीधा पहुंच रहा है, बीच में कोई दलाल नहीं है जी। और गैस, जो गैस कनेक्शन फ्री में दिए जा रहे हैं, 8 करोड़ गैस कनेक्शन पूरे देश में दिए गए उज्ज्वला योजना में। ये बहुत बड़ी बात है। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए जा रहे बिना किसी भेदभाव के। ये नहीं देखे जा रहे कि ये मुसलमान है या जाट है, क्या है, बिना किसी जाति के विधान धर्म के 2011 के आधार मान के जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको दिए जा रहे हैं 2.5 लाख रुपए। और इज्जत घर बनाए, हरेक गांव में बनाए जा रहे हैं इज्जत घर। मोदी सरकार के अलावा यूपी में 2 साल से योगी सरकार भी है, क्या योगी सरकार का कोई फायदा इन चुनावों में होगा? बहुत ज्यादा होगा, योगी जी भी लगे हुए हैं, वो उनका जो मिशन है उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे जो इज्जत घर बनाए हैं लाखों की संख्या में, मोदी जी योगी जी का भी योगदान है। और घर घर बिजली कनेक्शन फ्री में, बिजली कनेक्शन का कोई चार्ज नहीं लगा, बिजली का चार्ज लिया जाएगा। तो ऐसे विद्युत कनेक्शन पहली बार दिए जा रहे हैं, पहले कभी नहीं दिए गए थे। लेकिन सर अभी जो उपचुनाव हुए, गोरखपुर का हुआ था, फूलपुर का हुआ, कैराना का हुआ, वहाँ सब जगह तो आप हार गए। वो शुरुआत में कोई ऐसी बात थी वो हार गए, लेकिन अब कोई हार का कारण नहीं है। अब तो वास्तव में 73 की जगह 74 सीट लाएंगे। 2014 में कुछ सीटों पर बेईमानी हुई थी, अब वो बेईमानी नहीं चलेगी उनकी और गठबंधन फेल होगा जी। आखिरी सवाल की, ज्यादातर जगहों पर मैंने देखा कि एमपी जो है ना वो विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी करते हैं। मुझे लगता है कि आगरा में विधायकों के पास जिम्मेदारी होगी कि वो संसदीय सीट को सही कह रहे हो, हम जीते हैं और हम अपने एमपी को भी जिताएंगे, भारी बहुमत से जाएंगे, 3 लाख से अधिक वोटों से जिताएंगे आगरा के एमपी को हम। लोग नाराज तो नहीं होंगे कि आपका सिटिंग एमपी कुछ नहीं कर रहा था तो आपने बदल दिया, फिर ये भी भरोसा कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, जगन गर्ग पे भी भरोसा है, हमने बहुत काम किए, योगी जी ने बहुत काम किए, मोदी जी ने बहुत काम किए, उसी आधार पे हमारा एमपी भारी बहुमत से जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आगरा में 9 विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के, मतलब सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर सिटिंग एमपी बदल दिया है। अब विधायकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने नए प्रतिनिधि को फिर से संसद में भेजे। HS न्यूज, जहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।